YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें आप किसी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये गिरते मार्केट में भी काफी शानदार शेयर है, काफी स्ट्रांगनेस दिखा रहा है इस गिरते हुए मार्केट में। यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट को देखेंगे, टेक्निकल चार्ट पे काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ ये दोनों स्टॉक्स जो है फंडामेंटली काफी सॉलिड्स है, जिसमें पहला जो स्टॉक्स है वो है हमारा लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मात्र जो है 733 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 370 रुपए के आसपास है। और देखिए यहाँ पर डिविडेंड 0.40% का डिविडेंड है, डिविडेंड भी अच्छा खासा है क्योंकि स्टॉक अभी काफी ग्रो हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी शानदार, प्रमोटर होल्डिंग 74.1%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी बिल्कुल जीरो है, कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं, इतना सॉलिड फंडामेंटल्स वाला ये स्टॉक्स है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। और रिजल्ट भी अच्छा खासा है 151 करोड़ का। वहीं पर बात करें टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ सेल्स देखिए लगातार ग्रो हुआ है, कंपनी का सेल्स 2010 में मात्र 13 करोड़ था जो कि 2021 में हो चुका 191 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट देखिए कितना शानदार, 10 साल पहले मात्र 1 करोड़ का जहां प्रॉफिट था वहां 29 टाइम्स हो चुका है, 29 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर कंपनी जनरेट करने में सफल हो रही है। अभी शेयर कैपिटल कंपनी के पास मात्र 20 करोड़ का है, रिजर्व जो है लगातार इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं कि रिजर्व लगातार एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बिल्कुल जीरो है, पिछले 2 सालों से कंपनी अपना डेट जीरो कर रखा है। वही जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो कंपनी के पास जो है कैश आना चाहिए तभी कंपनी जो है अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में काफी बेहतरीन कर पाएगी। यहाँ देखिए नेट कैश फ्लो पिछले 2 साल से कंपनी जनरेट करने में सफल रहा है, 4 करोड़ का 2021 में, 8 करोड़ का 2020 में। फिर इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें, प्रमोटर्स का जो यहाँ पर स्टेक है 74% का प्रमोटर्स का स्टेक है कंपनी में, जो कि काफी शानदार है। FI 0.13% का स्टेक, तो FI का स्टेक अभी भी काफी कम है इस कंपनी में, पब्लिक 25.76% का स्टेक है पब्लिक का, ये भी काफी शानदार है। अब बात करें यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर, तो देखिए चार्ट पे ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन रहा है और जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। देखिए ये ट्रेन लाइन रेसिस्टेंस था और ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट था, तो बार बार यहाँ पर सपोर्ट लग करके स्टॉक्स ऊपर जा रहा है और यहाँ पर इस ट्रेन लाइन को ये ब्रेक किया है, अगर इसके ऊपर 2-4 दिन तक सस्टेन हो जाता है तो फिर काफी जबरदस्त ये तेजी दिखाएगा। और यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा, वो टारगेट आपको रखना है इसका ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ का है, अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो काफी बेहतरीन परसेंटेज आपको यहाँ पर निकल कर आएगा। देखिए लगभग 28% का यहाँ पर निकल आता है इसका ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पर आप 28% के गेन के लिए बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो 315 के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपको रखना है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है अच्छा खासा है, आपको लगभग 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट के अप्रॉक्स। और यहाँ पर टारगेट भी काफी जबरदस्त है, तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना है, स्टॉप लॉस ही आपको बड़े लॉसेस से बचाता है, तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक, टेक्निकल चार्ट पे भी काफी सॉलिड है, लेकिन बात करें यहाँ पर चार्ट तो अभी काफी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स काफी ज्यादा मतलब मूव कर चुका है। यहाँ पर स्टॉक्स बात करें 2020 में मात्र 130 रुपीज के पास था और वहां से 130 से रुपीज से ये स्टॉक जो है लगभग 480 रुपीज का हाई लगा चुका है, अभी ये 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक्स काफी ज्यादा रैली किया है पिछले 1 सालों में। अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर का, जिस शेयर के बारे में मैंने काफी बार चर्चा किया है। देखिए जब से मैंने स्टॉक्स बाजार के बारे में बताना शुरू किया है तब से मैंने इस शेयर के बारे में चर्चा किया है, वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, काफी बेहतरीन ये शेयर है, मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 4,000 रुपीज का है, डिविडेंड 0.15% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी जबरदस्त है, प्रमोटर होल्डिंग 75% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0.05 का है, डेट इक्विटी काफी कम है, मात्र 41 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, जबकि रिजर्व 769 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, हर पैरामीटर्स पे ये भी कंपनी काफी जबरदस्त है। कंपनी जो है आउटसाइड जो इंडिया है
उसमें काफी जबरदस्त मैन्युफैक्चरर है, प्रोसेसर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर है। वाइड रेंज ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स यूज्ड इन फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्री। तो काफी जबरदस्त ये कंपनी का बिजनेस है, मुख्य रूप से मतलब केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है। तो केमिकल सेक्टर स्टॉक्स तो ऐसे भी काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि केमिकल का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रहा है। डिमांड में डिक्रीज भी होगा अगर पॉल्यूशन का इश्यू आता है कभी भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर टॉप लाइन की ग्रोथ की बात करें, सेल्स 2010 में था 778 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2021 में 1133 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें, 78 करोड़ का था, जो कि बढ़कर हो गया 120 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट में भी काफी जंप है, सेल्स में भी है। बैलेंस शीट भी कंपनी का देखें तो 15 करोड़ का शेयर कैपिटल कंपनी के पास। रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, डेट जो कंपनी का लगातार डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर डेट काफी कम है, मात्र 41 करोड़ का, जो कि निगलिजिबल है। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी लगातार नेट कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। और बात करें यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन का, प्रमोटर स्टेक जो मैक्सिमम हो सकता है 75% उतना कंपनी में है, और एफआईआई का स्टेक मात्र 7% है, डीएच का स्टेक 11% है। डीएच का स्टेक यहाँ लगातार डिक्रीज हो रहा है, पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 3% से 6%। तो पिछले 2 सालों में प्रमोटर स्टेक में कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसे में कंपनी फंडामेंटली काफी सॉलिड है, लगभग वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो ऐसे फंडामेंटली सॉलिड शेयर में आपको जरूर बाय करना चाहिए। और जो कंपनी इतनी फंडामेंटली सॉलिड है तो इसको आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि स्टॉक्स में देखिए सितंबर 2021 अभी तक में कोई भी गिरावट नहीं हुआ, जबकि मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हुआ है, मार्केट में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन इस स्टॉक्स में कुछ खास आपको देखने नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ देखने मिला था, एक दिन इसके नीचे क्लोज हुआ, फिर दूसरे दिन ही यहाँ पर इसके ऊपर चला गया। तो निश्चित रूप से ये स्टॉक जो इस चैनल पे चल रहा है, देखिए ये चैनल बना रखा है इस स्टॉक ने, इस चैनल में ये लगातार ऊपर जा रहा है। तो जब भी इस चैनल में सपोर्ट वाली जो लाइन है उसके पास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है, देखिए पहले भी ये रैली कर चुका है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखाता है, तो करेक्शन करता हुआ स्टॉक्स लगातार ऊपर जाता है। तो ये एक बेहतरीन सॉलिड फंडामेंटल्स वाली ये कंपनियां थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।